वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिंदगी बचाने वाली अद्वियात से मुतालिक लाहे अमल वाज़े करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, फार्मा इंडस्ट्री बरामदात के फरोग में अहम किरदार अदा करती है। हमने गरीब आवाम की कुव्वत खरीद को भी मद्देनजर रखना है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउला की योब कैंट में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जानों की कुर्बानी देकर बड़ी तबाही से बचाया और 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने फेंकने तक चैन से नहीं बैठेंगे। स्वीडन में कुरान की बेहरमती के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी महाज पर बड़ी कामयाबी। अक्वामे मुत्तहिदा में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। 28 ममालिक की करारदाद की हिमायत, 12 ममालिक की मुखालफत। करारदाद में कुरान पाक की बेहरमती समेत मजहबी मुनाफत की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म का 14 अगस्त को मौजूदा हुकूमत के ख़त्म होने का ऐलान। कहते हैं, आज IMF से मीटिंग है। IMF से मामलात लम्हा फ़ख्रियाँ नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करेगा। एंडोवमेंट फंड्स और कौमी निसाब के आगाज़ की तकरीब से खिताब, कहा, तालीम ही तरक्की की कुंजी है। इसराइल को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बात करने का कोई हक नहीं। इसराइल खुद एक सफाक मुल्क है। जुम्मे के रोज़ मुल्क भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की मुलाकात। मुलाकात में पेशा वराना अमूर पर बातचीत की गई। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला सिंध।